हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद पारुल केशव। कैसे हो आप सब? तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों, कैसा रहा आपका करवा चौथ एंड आपकी दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं या नहीं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कलेक्शन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद होती है एंड ये वाइट एंड ब्लैक सूट के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। जो मेरा फर्स्ट सेट है वो तो मैंने अभी अब वियर किया हुआ है इस लुक के साथ एंड ये इस तरीके का, इस पे ना छोटे छोटे से गणपति बन रहे हैं एंड ये बहुत प्रिटी लगता है मुझे। मैंने अभी से इसको शायद दो बार पहना है। मैंने इसको 1.5 ईयर पहले परचेज किया था एंड जब से मैंने इसको शायद दो बार पहना है, लेकिन इसका जो कलर है एंड ये जैसा आया था एज इट इज वैसा ही रहता है। अगर हम इसको अच्छे से इस तरीके के जो बॉक्सेज इनके साथ आते हैं इन्हीं में हम अच्छे से पैक करके रखते हैं तो इनका कलर वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होता है। एंड इसके साथ ये जो प्यारे से ईयरिंग्स आए थे, मैंने बहुत बार इस बिना नेकलेस की भी इन सिर्फ ईयरिंग्स को भी कई बार से पहना हुआ है और ये बहुत सुंदर लगते हैं, काफ़ी ड्रेसेस के साथ अच्छे लगते हैं। सिर्फ ईयरिंग्स ही मैं पहनती हूँ, नेकलेस नहीं पहनती। और ये जो नेकलेस है ये बहुत प्रिटी है, ये बहुत लाइट वेट है दोस्तों, इसका वेट बहुत लाइट है। एक होता है ना बहुत भारी भारी से जो नेकलेस होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते एंड बहुत भारी भारी सा उसमें फील होता है, तो ये वाला जो नेकलेस है बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, वज़न नहीं है इसमें, बहुत लाइट वेट, लगता ही नहीं हमने कुछ पहना हुआ है। चलते हैं हमारे सेकंड नेकलेस की तरफ। ये एक लॉन्ग नेकलेस है कुछ इस तरीके का है ये, ऐसे बहुत सुंदर लगता है। कोई प्लेन आउटफिट पहना हुआ है इसमें, ना कोई वर्क है ना कुछ, जैसे ये जो मैंने प्लेन सूट पहना हुआ है जैसे वाइट हो गया, ब्लैक हो गया और जो हमारे साड़ी होते हैं ब्लू, उन सब पे नेकलेस जो होते हैं बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड ये बहुत ही प्रिटी है। मैं अभी आपको इसको पहनकर दिखाऊंगी एंड इसके साथ जो ईयरिंग, क्योंकि ये नेकलेस थोड़ा सा हैवी है एंड इसमें इस तरीके का वर्क हो रखा है, ये मुझे इतना प्यारा लगता है एंड इसको भी मैंने मीशो से परचेज किया था, अभी वियर करके दिखाऊंगी। एंड इसके साथ जो ईयरिंग्स है ये इतने लाइट वेट हैं बहुत ज़्यादा, बस इस तरीके के इसके साथ ईयरिंग्स आते हैं दोस्तों, ये देख सकते हो आप ईयरिंग्स हैं। अब चलते हैं हमारे थर्ड नेकलेस की तरफ और वो है कुछ ऐसा। इसको तो मैंने बहुत पहले लिया था, इसका एक ये निकल भी गया है, पता नहीं किधर गया। एंड ये देखिए आप इस वाले नेकलेस को, जब ये पहले बहुत ट्रेंड में आया था एंड मैंने इसको काफ़ी पहले लिया था, आई थिंक 1.5 ईयर इसको भी हो गया है लिए हुए। ये भी बहुत प्यारा सा है, ये जब भी कोई जन्माष्टमी वगैरह कुछ रहता है तो मैं इसको वियर करती हूँ और ये इतना सुंदर लगता है, ऐसे बहुत ही प्यारा लगता है, हमारे प्लेन आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जाता है एंड ये भी बहुत लाइट वेट है। जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है मीशो पे, ये काफ़ी लाइट वेट है एंड हैवी भी होती हैं, आपने देख के चूज़ करना होता है। पर मैं आपको जितनी भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आज दिखाने वाली हूँ ये सारी ही बहुत लाइट वेट है। ये देखिए आप, ये बहुत ही प्यारा सा इसका पेंडेंट है एंड इसके साथ ईयरिंग्स भी आए थे। ईयरिंग्स मैं सिर्फ ईयरिंग्स भी बहुत बार वियर करती हूँ, जितनी भी मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हैं उनके सिर्फ ईयरिंग्स भी बहुत बार वियर करती हूँ, पूरा सेट ना पहन के, तो इनकी ईयरिंग्स भी अलग से बहुत काम आ जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फोर्थ, इसको मैंने पहले अपने वीडियोस में पहना हुआ भी है, आप चेक कर सकते हो। ये वाला, ये भी बहुत लाइट वेट, बिल्कुल ऐसे नेक पे आता है, इतना सुंदर लगता है एंड मैं आपको बाद में इन सबका ट्राई ऑन हॉल करके दिखाऊंगी, आप देख लेना। ये देखिए ऐसे चोकर टाइप में है एंड इसके साथ ये हल्का सा ऐसा लगता है, इसमें थोड़ा सा वजन है लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको वियर ना कर सकें और हमें ऐसा लगे कि हमने कुछ बहुत भारी सा पहन लिया है, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत प्यारा सा है एंड बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद। एंड इसके साथ भी ईयरिंग्स आए थे, इसकी ईयरिंग्स बड़ी छोटी छोटी झुमकी हैं, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं सिंगल भी इनको बहुत बार वियर करती हूँ जब भी मैं कोई सूट वगैरह पहनती हूँ एंड ये देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी इसकी ये झुमकियाँ हैं, बहुत प्यारी। अब मैं आपको दो ईयरिंग्स दिखाने वाली हूँ, ये बड़े बड़े ईयरिंग्स हैं, मुझे बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं, ये इतना लाइट वेट है कि आपको ये देखने में जितना बड़ा लग रहा है
ये बहुत प्यारा इयररिंग्स है। ये देखने में हमें जितने बड़े लगते हैं ना, ये उतने ही ज़्यादा लाइट वेट है, लगता ही नहीं है हमने कुछ पहना हुआ है। इन्हें देख सकते हो आप, इनको मैं ना कभी जब मैं इन वाले इयररिंग्स को वियर करती हूँ तो मैं गले में कुछ भी नहीं पहनती, क्योंकि ये खुद इतने बड़े हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगर हम गले में भी कुछ पहन लेते हैं तो बहुत हैवी हैवी सा लगता है। तो मैं जब भी ऐसे कोई इयररिंग्स पहनती हूँ तो मैं सिर्फ इयररिंग्स पहनती हूँ, फिर मैं कुछ और नहीं पहनती। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं दोस्तों, सबको आपको पहनकर दिखाऊंगी एक बार, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये इयररिंग्स। अब वो जो है इयररिंग्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मेरे फेवरेट हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। टैन टैन है ये, इतने मतलब इनको, ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, थोड़े से हैवी लगते हैं क्योंकि ये थोड़े से बड़े हैं, लेकिन उतने हैवी नहीं है कि हम इनको वियर ना कर सके। इतने प्यारे लगते हैं जब हम कोई अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट करते हैं, जैसे नवरात्रे में या फिर डांडिया में, इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं इस तरीके के इयरिंग्स। ऐसे एक दो इयरिंग्स जो बड़े बड़े, ये हमारे पास होने ही चाहिए ताकि जब हम कोई अच्छा सा लुक क्रिएट करना चाह रहे हो तब हम इनको वियर कर सकें। है ना, देख सकते हो ये कितने सुंदर हैं। अभी मैं आपको इनको पहन कर अब मैं जो दिखाऊंगी। आपको नेकलेस दिखाऊंगी ना, इसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था क्योंकि मैं इसको वियर ही नहीं कर पाई, उससे पहले ही ये टूट गई इसकी चेन। इसकी चेन बहुत हल्की थी, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये सारे ही जो मैंने आपको दिखाई हुई है ज्वेलरी, ये सारी ही ज्वेलरी मैंने मीशो से परचेज की है, इसको भी, पर ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का था लॉन्ग चेन। पहनकर तो ये बहुत सुंदर लगा था, पर इसकी पेंडेंट चेन है ये बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन इसके साथ इन्होंने ये जो चेन लगा दी है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट सी लगा दी, पतली सी, और ये बिल्कुल तुरंत ही टूट गई थी। मैं इसको पहन ही नहीं पाई, ये जब से ऐसे ही पड़ा है एंड मैं इसको ठीक भी नहीं कर पाई हूँ, टाइम ही नहीं लगा। मैं इसको ठीक करा के कभी पहनूंगी। एंड वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था, ऐसे करके ये रहता है किसी भी सूट पे या साड़ी पे, बड़ा प्यारा सा लगता है। इसके साथ कोई इयररिंग्स नहीं आए थे, ये सिंगल आया था। अब मैं आपको इन सबको पहन के एक ट्राई एंड हॉल दिखा देती हूँ। तो जल्दी से बताओ मुझे ये सारे नेकलेसेस आपको कैसे लगे, एंड मैंने सारे आपको ट्राई करके दिखा दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये जो बैंगल्स हैं एंड ये जो रिंग है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगी क्योंकि ये जो रिंग है ये मैंने काफ़ी टाइम पहले सरोजनी नगर से लिया था। बैंगल्स हैं ये मैंने लोकल मार्केट से लिए हुए हैं, तो इन दोनों के लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगी। इयररिंग्स वगैरह या जो भी मेरे मैंने आपको नेकलेसेस दिखाए हैं उनके लिंक्स जितनी भी प्रोवाइड हो पाएंगे मैं ऑप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो के अपडेट मिलते रहें। एंड मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा दिवाली मेकअप लुक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल, बाय बाय।